नमस्कार दोस्तों, फोर्ड वर्ल्ड का जाना माना ब्रांड है और इसके दीवाने दुनिया भर में मौजूद हैं। फोर्ड ने भी एक के बाद एक आइकॉनिक कार्स को लॉन्च किया है, चाहे वो मस्टैंग हो या फिर रैप्टर ट्रक ही क्यों ना हो। इंडिया में भी फोर्ड के दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन इंडियन पोर्टफोलियो में फोर्ड ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी बाहर की कंट्रीज़ में दिखाई है। इसकी एक वजह इंडियन कस्टमर्स का प्राइस सेंसिटिव होना भी है। फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी की स्पेशीज मार्केट में स्टार्ट की थी, और एंडेवर को छोड़ दिया जाए तो बाकी गाड़ियां फोर्ड की इंडियन मार्केट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट धीरे धीरे इंडियन मार्केट में जोर पकड़ रहा है, और मिड साइज़ एसयूवी जैसे कि सेल्टॉस और क्रेटा इंडियन मार्केट के अंदर धूम मचा रखी है। इन दोनों ही गाड़ियों को कुछ खास कॉम्पिटिशन नहीं मिल पाया है। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों, हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो इंडियन मार्केट में अगर लॉन्च होती है तो इको स्पोर्ट की तरह फोर्ड के लिए एक अच्छा मार्केट तैयार कर सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फोर्ड की टेरिटरी की, जिसे हाल फिलहाल ही फिलीपींस के मार्केट में लॉन्च किया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों, हम इसी गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानेंगे। फोर्ड टेरिटरी का एक्सटीरियर डिज़ाइन आपको करंट जनरेशन इको स्पोर्ट की याद दिला देगा। ये एक टाइमलेस डिज़ाइन कंसेप्ट पर बनी हुई गाड़ी है, जिसके डिज़ाइन को बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं बनाया गया है। सामने फोर्ड की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, जो हेडलाइट्स में ब्यूटीफुली इंटीग्रेट की गई है। इस गाड़ी में कंप्लीट एलईडी हेडलाइट का सेटअप दिया गया है। सामने की लाइट्स में बैरल शेप्ड एलईडी को यूज़ किया गया है। वैसे टेरिटरी एक 5 सीटर मिड साइज एसयूवी है, जिसकी ओवरऑल लेंथ 4580 mm की है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की है, और इस गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉयस दिए गए हैं। फोर्ड की गाड़ियों की हमेशा बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, और इस गाड़ी में भी फोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर जगह आपको एक प्रीमियमनेस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का फील होगा। इंटीरियर पे चलें तो इसमें फोर्ड ने भर भर के फीचर्स दिए हैं। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इसका 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसे सिमलेसली इंटीग्रेट किया गया है गाड़ी के डैशबोर्ड में। बाकी के फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री सराउंड कैमरा, सेलेक्टेबल ड्राइव मोड्स, वायरलेस चार्जिंग, 10 इंच का कलर मल्टी इन्फो डिस्प्ले, कैबिन एयर फिल्टर्स, मल्टीपल ड्राइव मोड्स के अलावा बाकी सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो आप एक मॉडर्न एसयूवी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजन पे आए तो इसमें 1.5 लीटर का इको बूस्ट डीजल इंजन दिया गया है। ये 143 पीएस की पावर जनरेट करता है 225 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। सेफ्टी हमेशा से ही फोर्ड की प्रायोरिटी रही है, और इस गाड़ी में भी फोर्ड ने 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हाई डेफिनेशन 360 डिग्री कैमरा, एनहांस्ड पार्क असिस्ट, ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए हैं। Thank you.
प्राइसिंग पे आए तो फोर्ड ने इसे फिलीपींस मार्केट में 17 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया है। और इस गाड़ी को अगर इंडियन मार्केट में फोर्ड लोकलाइजेशन के बाद लॉन्च करता है और 15 लाख के बजट के अंदर लॉन्च कर देता है तो यकीनन है कि ये बहुत ही अच्छा दमदार प्रोडक्ट रहेगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका फोर्ड की टेरिटरी के बारे में क्या ख्याल है, क्यों ना फोर्ड को इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो।